बात किया है तो उन्होंने जो डिमांड रखा है अथॉरिटी ने कुछ दिन कुछ समय मांगा है ताकि उनका डिमांड अथॉरिटी कंप्लीट कर पाए। तो आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करें कि अथॉरिटी भी जो अपना जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो लोग फुलफिल कर पाएंगे कुछ दिन में। और हमारे तरफ से हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ ये इन्वेस्टिगेशन और जो इस केस से रिलेटेड है ये जल्द से जल्द कंप्लीट करें बट विद द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। तो अभी भी हम और इंक्वायरी प्रोसेस में है तो आप हमें ये अलाउड कीजिए कि हम आराम से अपने इस इंक्वायरी को कंप्लीट कर पाए। कोई रिपोर्ट आप मांगे हैं अथॉरिटी से? जी जी जो रिपोर्ट यस वी हैव आस्क्ड ऑल द रिपोर्ट दे विल सबमिट टू अस हॉस्पिटल अथॉरिटी दे हॉस्पिटल अथॉरिटी यस वी हैव आस्क्ड फॉर द रिपोर्ट दे विल सबमिट टू अस। पुलिस से कोई रिपोर्ट मांगे हैं मैडम? पुलिस से कोई रिपोर्ट मांगे हैं? पुलिस ने तो कल ही हमारे कमीशन में रिपोर्ट भेजा है जो उन्होंने आज तक किया है तो कल उन्होंने भेजा है और हम भी आज फिर से देखेंगे उसको और उसे पुलिस के काम के साथ साथ ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सिक्योरिटी लैपसेस है यहाँ पर, सिक्योरिटी के लैपसेस बहुत है और अथॉरिटी की तरफ से भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कर लेंगे, चेक कर लेंगे इसमें, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उनको थोड़ा समय दे दीजिएगा। लेकिन मैम एक औरत के ऊपर अगर ऐसे अटैक होते हैं तो जैसे पूरा देश में इसके लिए आंदोलन चल रहा है तो उसके लिए आप लोग ने कुछ सजेशन दिए? हाँ हमने सजेशन भी दिया है उनको और हम लिख के भी अपने रिपोर्ट में बना के ठीक से बना के हम लोग उनको रिकमेंडेशन भी दे देंगे। देखिए थोड़ा समय दे दीजिए पुलिस को, पुलिस उसका इंक्वायरी मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और फोरेंसिक रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ डीएनए मैच हो रहा है तो पता चलेगा कि कितने लोग इन्वॉल्व है उसमें, उसी से पता चलेगा। मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे? नहीं नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया क्योंकि प्रोसीजर रहता है उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। सैंपल्स जो उन्होंने कलेक्ट किया है, चाहे हो सकता है कि 6 सैंपल्स कलेक्ट किया है या 4 सैंपल्स कलेक्ट किया है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। मैडम हॉस्पिटल व्हाट स्टेप्स हैव यू आस्क्ड हॉस्पिटल टू टेक प्रेजेंटली सिंस यू हैव सीन द लैपसेस? हैव यू सजेस्टेड एनी स्टेप्स टू बी टेकन इन दिस मेडिकल कॉलेज? हमने सजेस्ट किया है यस कि सिक्योरिटी जो एजेंसी है यहाँ पर जो काम करते हैं उनको भी सिक्योरिटी मतलब एजेंसी से उन्होंने सस्पेंस किया है जो उस वक्त प्रेजेंट है, जो उस वक्त प्रेजेंट थे सिक्योरिटी पर्सनल उनको सस्पेंड किया गया है और अभी हॉस्पिटल की तरफ से अथॉरिटी की तरफ से भी उनसे फिर से बात करेंगे और इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरी है, वी नीड टू इम्प्रूव एवरीवेयर बिकॉज ये सिचुएशन। यस मैडम ये जो प्रिंसिपल था उसको चेंज किया गया। प्रिंसिपल पहले कहा था कि ये जो मृतका वो मानसिक तौर से ठीक नहीं है और आज हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है वो उसमें हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल को फटकार लगाया और प्रिंसिपल की स्टेटस है उसके बारे में रिपोर्ट मांगे है। तो प्रिंसिपल होकर एट द अर्ली स्टेज उन्होंने ऐसा कहा था, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है अगर प्रिंसिपल की तरफ से ही ऐसे स्टेटमेंट आता है तो इट्स रियली शोज दैट ही इज सो इनसेंसिटिव अबाउट दिस मैटर। नो वी वोंट अलाउ दिस टू हैपन, वी वोंट अलाउ दिस टू हैपन। एक्चुअली वी हैव इंस्ट्रक्टेड द पुलिस, वी हैव इनफैक्ट रिक्वेस्ट द पुलिस ऑल्सो टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव बिकॉज दिस इज एन इनह्यूमन एक्ट। ये हमें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि
दूसरी बार हमारे सिटी में ही नहीं हमारे देश में ये दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इतना तो हमने पुलिस को भी रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द और स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, और पुलिस ने भी इस मैटर को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस उस में कंसिडर किया गया है। Will you visit the family? Will you visit the family? I visited last yesterday. And the spot of the incident? We will visit. Madam, I have one question. One question. Call Bar. 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 सो इनह्यूमन, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी कि किसी भी कहीं भी विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, तो उनकी तरफ से उनके वहां से बहुत बड़ा इनसेंसिटिविटी और बहुत बड़ा गलती किया है उन्होंने। नोटिस भेजेंगे क्या उसके खिलाफ? यस यस, वी विल डू अकॉर्डिंगली, विल डिस्कस अकॉर्डिंगली, ठीक है, विद द पुलिस विल टॉक अबाउट। जूनियर डॉक्टर्स जो एजिटेशन कर रहा है उन लोग, उनके लिए कोई मैसेज या फिर उनके साथ मिलेंगे? वी हैव स्पोकन टू देम। जब हमने अथॉरिटी के साथ बात किया था तो उनको भी हमने इंक्लूड किया है, तो थोड़ा सा आप लोग की तरफ से भी ये कोऑपरेट कर दीजिए हमारे साथ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ डिमांड किया है आपके? हाँ, उन्होंने डिमांड दिया है, उनका डिमांड है, तो हमने कहा है कि रिफ्रेश डिमांड आप दे देना अथॉरिटी को, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल नए आए हैं, अथॉरिटी नए है, क्योंकि चेंज किया गया है सब, तो उनको हमने सजेस्ट किया है कि आप फिर से अपने डिमांड सबमिट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।